नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी रात का टाइम है और मैं सारा अपना काम वाइंड अप कर चुकी हूँ, मगर अभी भी एक छोटा सा काम रहता है, वही करने में किचन में आई हूँ। और वो ये कि दही जमाना था, और क्योंकि दूध बच गया था, अक्सर जब दूध बच जाता है तो मैं यही करती हूँ कि दही जमा लेती हूँ उसका। और घर का जमा हुआ दही काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ तो दूध को मैंने हल्का सा नीम गरम कर लिया था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, और ठंडे दूध में हम दही नहीं जमा सकते, ठीक से नहीं जमता। तो नीम गरम हो या रूम टेम्परेचर पे हो तो भी जम जाता है, बल्कि नीम गरम हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ मैंने छोटा सा एक चम्मच दही का पानी जो था वो डाल दिया था, और बस इसको रख दूँगी मैं ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको ज़्यादा हिलाना ना पड़े, क्योंकि बार बार हिलाने से भी दही ठीक से नहीं जमता। और बस सुबह देखूँगी, और अब ये दूसरे दिन का टाइम है सुबह का, और चेक करते हैं कि दही हमारा जमा है या नहीं। और ऑब्वियसली जम ही गया होगा, और दही हमारा ठीक से अच्छा जम गया है, ये देखें। और दही को देखकर मेरा मूड हो गया लस्सी बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ लस्सी बना लूँ। और लस्सी किसको पसंद नहीं होती, मुझे भी बहुत पसंद है, और दोनों तरह की लस्सी पसंद है, नमकीन भी और मीठी भी, और दोनों ही पसंद है, मगर मीठी ऑफकोर्स ज़्यादा पसंद है, मगर पीती अक्सर नमकीन थी। और जब भी मीठी लस्सी पीती थी तो एक ऐसा से जुर्म महसूस होता था कि ये नहीं ज़्यादा वज़न और ज़्यादा ना बढ़ जाए, वैसे बढ़ा हुआ तो ज़्यादा ना बढ़ जाए, मगर मैं लिफ्ट नहीं कराती थी इस बात को, मैं पी लेती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब मैं मीठी लस्सी बेफिक्र होकर पीती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि मीठी लस्सी से मोटापा नहीं होता बल्कि नमकीन लस्सी से बढ़ता है, तब से मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर खुल के इंजॉय करती हूँ अपना इस ये पसंदीदा मशरूब। और कहीं पढ़ा था मैंने कि इससे मतलब मीठी लस्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पी सकते हैं, और मैं दिल से इस बात पर ईमान ले आई थी कि ऐसा ही होता होगा। मगर सच्ची बात है कि ये बात मैंने एक बार ही पढ़ी थी, एक बार ही नज़र से गुजरी थी, और मैंने इसे कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा है वाकई में है या नहीं, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात इतनी फजूल सी है और ऐसा नहीं है तो मुझे ऑब्वियसली बुरा लगेगा, मुझे फिर से ये, खैर तर्क तो नहीं करूँगी इसे बिल्कुल भी, मगर ये कि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मगर घर में कोई भी मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मीठी लस्सी से वज़न नहीं बढ़ता, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये बात मानती हूँ। मेरा कहना ये है, मेरी दलील ये है कि ठीक है कि चीनी से वज़न बढ़ता है, मगर हो सकता है दही में शामिल करके चीनी को यूज़ किया जाए तो इतना फ़र्क ना पड़ता हो। होता है ना कि किसी किसी चीज़ का कम्बिनेशन उसकी खसूसियात को थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो क्या पता। बहरहाल चूँकि मुझे लस्सी इंजॉय करनी होती है तो मैं खुद को समझा लेती हूँ कि कुछ नहीं होता, मीठी लस्सी पी सकते हैं, तो अभी तो मैं पी लेती हूँ, बाद में मैं देखूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि वाकई में मीठी लस्सी से वज़न बढ़ता है या नहीं। और जनाब लस्सी इंजॉय करने के बाद आ गई हूँ मैं पिंट्रेस्ट पर, क्योंकि मुझे गले के कुछ डिज़ाइन देखने थे, नेक डिज़ाइन मुझे सर्च करने थे, तो बस वही देख रही हूँ। तो ये कुछ डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट किए थे तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ, तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और इसके साथ ही इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।